मुख्य अभियंता ऑपरेशन सेंट्रल जोन HPSEB लिमिटेड के कार्यालय के बाहर बिजली कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनरों ने बिजली बोर्ड के निजीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा ड्राफ्ट बिजली संशोधन विधेयक 2021 को संसद के चालू बजट सत्र में पास होने के लिए लाई जाने वाली योजना का पूर्ण रूप से विरोध करते हुए बिजली बोर्ड हमीरपुर के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं हमीरपुर गांधी चौक तक रैली भी निकाली तथा धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार द्वारा बिजली बोर्डों के निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कामेश्वर दत्त ने कहा कि इस कानून में विद्युत वितरण के लिए मौजूदा लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करने का प्रावधान रखा गया है। इसका मतलब ये है कि निजीकरण की आंधी में विद्युत वितरण का कार्य मनमाने ढंग से अपने पसंदीदे घरानों और ठेकेदारों तक को दिया जाएगा, जो कि सरासर गलत है। आज पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि हम हड़ताल पे नहीं है। हमारा जो केंद्रीय कार्यकारिणी उसका फैसला था कि हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो ये बिजली बिल केंद्र सरकार पार्लियामेंट में ला रही है और इसी सेशन में रख रही है और पास करने की कोशिश कर रही है, हम उसके विरोध में आज यहाँ हमीरपुर ऑपरेशन सर्कल के बाहर इकट्ठे हुए और वहाँ से रैली के रूप में यहाँ गांधी चौक तक हम आए हैं। हम उस बिल में बिल्कुल क्लियर केंद्र सरकार को कह देना चाहते हैं कि आपने इस तरह का बिल 2003 में भी लाया, उस वक्त भी आपने फायदे गिनाए थे, लेकिन आज उसके फायदे ना होते हुए नुकसान हुआ है और अब आप एक और बिल जो है इन नवरत्नों को बेचने के लिए, इस बिजली बोर्ड को बेचने के लिए, निगमों को बेचने के लिए ला रहे हैं। उस बिल का हम विरोध करते हैं क्योंकि उससे जो आज इम्प्लॉयज है उस इम्प्लॉयज की सोशल सिक्योरिटी, उसकी सेवा शर्तें और इसके साथ साथ जो नया कर्मचारी आज इस पावर सेक्टर में आया है उसकी सिक्योरिटी, उसकी पदोन्नति और जो हमारा रिटायरी है उस रिटायरी की जो पेंशन है, आज हिमाचल बिजली बोर्ड में 26,000 से ऊपर का पेंशनर है और उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है, उनकी जो पेंशन है, उसके भी लाले पड़ जाएंगे। इसलिए जो हमारा कंज्यूमर है वो भी इस बिल से प्रभावित होगा क्योंकि आप उस बिल में कह रहे हैं कि जो सब्सिडी हम लोगों को दे रहे हैं उस सब्सिडी को आने वाले समय में 3 साल में समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए जो आम उपभोक्ता है वो भी परेशान है, जो कर्मचारी वो भी परेशान है। इसलिए हम केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि वो तमाम लोगों की परेशानियों को समझते हुए बिजली कर्मचारी और इंजीनियरों के आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए आप इस बिल को वापस लेंगे और इस बिल को लागू ना किया जाए। हम साथ में एक बात और कह देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने एक स्टैंडर्ड मीटिंग डॉक्यूमेंट राज्य सरकारों को भेजा है, तो हम निवेदन करते हैं कि जिस तरह से 12 राज्यों की सरकारों ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और एक केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी ने उसको ठुकराया है, उसी तर्ज पे हिमाचल के मुख्यमंत्री महोदय आप भी उस जो उन्होंने गाइडलाइन दी है उसको एक कह करके ठुकराएं कि हम इसको हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं कर सकते हैं, अन्यथा हिमाचल प्रदेश का जो कर्मचारी है वो पेंशनर है वो आम उपभोक्ताओं को साथ जोड़ते हुए बड़े आंदोलन में जाएगा और जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहेगा। आपको बता दें कि बिजली के निजीकरण के खिलाफ बिजली अभियंताओं एवं कर्मचारियों की राष्ट्रीय समन्वयक समिति पूरे देश में लाखों अभियंताओं एवं कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रही है।